मैं विकास और आज मैं आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त शो में जो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट इंडिया के स्टेट से म्यूजिशंस आने वाले हैं और वो परफॉर्म करने वाले हैं। इट वॉज माई प्लेजर कि ये शो को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ और आप लोगों के लिए भी लेके आने वाला हूँ। वाओ, दिस इज़ अ राजस्थानी फोक म्यूज़िक होने वाला है, कवाली होने वाली है, इंडियन क्लासिक फ्यूजन होने वाला है, ज़बरदस्त काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाला। आई एम वेरी एक्साइटेड। थोड़ी देर में ही अब इवेंट शुरू होने वाला है, आप देख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ हाउसफुल, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। With support from the Ministry of Culture of Government of India. This is the first Festival of India event that is being organized outside India post-COVID and is therefore very special. I'm really happy to see a good turnout today. We were expecting the hall to be full. I think some people are still on the way. I thank you all for joining us today. The event today is a celebration of our cultural diversity and showcases one of the best of Indian music and dance forms. We will be witnessing performances of classical and contemporary fusion music by Anurag Varma Collective, Rajasthani folk dance by Hasan Khan and team, and Kavali by Kutpi Brothers, all of whom are renowned in their own genres. So, pehli performance ke liye jo hone wali hai Anurag Varma ki taraf se, it will be a classic fusion, so maza aane wala hai, so bane rahe. ज़बरदस्त थी, इट वॉज अ क्लासिक फ्यूजन, तो मज़ा आ गया। अभी थोड़ा सा ब्रेक है 20 मिनट्स का, उसके बाद नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो राजस्थानी ग्रुप की होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सो थोड़ी देर में आपको वो दिखाता हूँ। तो अपनी यहाँ की सेकेंड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इंडियन जो सोसाइटी ने इस समय जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। थैंक यू। और आर यू एक्साइटेड? तो पहला वो जो परफॉर्मेंस था तो बहुत ही अच्छा था, अब जो राजस्थानी परफॉर्मेंस है वो तो और भी ज़बरदस्त होने वाला है। विकास जी, इस मामले में थोड़ा सा, इनफैक्ट आई वांटेड टू गिव सम पर्सनल एडवाइस टू मिस्टर अनिरुद्ध टू आल्सो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ड्रम बीट इतने ज़्यादा थे उसमें कि उसमें जो मेलोडियस साउंड थी वो लोगों की दब रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है। बट डेफिनेटली आई एम टू मच एक्साइटेड टू सी द और मैं खुद एक कवाली लवर हूँ काफी, जहाँ भी मुझे पता लगता है और कोई फेमस कवाली गायक आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। Enjoy.
एंजॉय दिस शो, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, मेरी बीवी आ गई तो हम और मजे करेंगे. भगवान भी अरबी जाने हैं. अल्लाह
खुदा तू है हकीकत में सना तेरी है, ये हुस्न तेरा है हसीनों में अदा। या खुदा तू है हकीकत में सना तेरी है, हुस्न तेरा है हसीनों में अदा। तेरी है, तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी है। तकदीर नहीं बनती तदबीर, क्या करोगे मुझको ही साथ ले चलो मेरी तस्वीर, क्या करोगे मौत से मेरा मिला। बंदोबस्त किया अजब लिबास साकी ने बंदोबस्त किया, 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 शराब बाद में दी पहले सबको मस्त किया, नैना मिला के मोशे मेरे पीछे।
ये आप क्या मजे की घात करते हैं। हाँ हजूर, ये आपकी नजर कर रहा हूँ हमारे अम्बेसडर साहब की बराबर में जो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने खड़े होके स्टैंड अप ओवेशन दे रही है। That was an amazing performance. Thank you so much, Kuti brothers and team for this wonderful performance. Thank you so much. And with this, we have completed all our performances of today. And I now request all the troops. भाइयों से मिलने का जब मौका मिला यहाँ पर तो दिल गदगद हो गया और it was amazing. मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो, हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मजा आया यार, amazing performance और सारे नो आर्टिस्ट से मिलने को मिला, उनके साथ फोटो क्लिक करने को मिला, it was amazing. और हम थोड़ा लेट ज्वाइन किया बट अमेजिंग शो।
बिल्कुल। और हमें काफ़ी ये चीज़ पता लगी कि जो इंडियन एम्बेसी की जो भी इम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बड़े बेफिक्री के फैंस हैं। एवरी बडी नोज मी, दिस मीन्स अ लॉट एंड रियली आई वॉज रियली दिल से हम दोनों थैंक्स करते हैं इंडियन एम्बेसी को जिन्होंने इतना अच्छा शो किया और हम लोगों को वो मौका दिया शो में आने के लिए। एंड मैं क्या बोलूँ यार, रोना आ जाएगा इस और मे भी हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं और इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है, तो आने वाले टाइम पे मे भी वी आर क्लोजली वर्किंग विद द इंडियन एम्बेसी और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। सो बाय।